इसकी हैंडल की पोजीशन दूसरी तरफ चली जाती है, तो फिर इसको आपने चेन इसे मूव करके ऐसे ये लेफ्ट पे ले आना है। अगर लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो ये लेफ्ट के हिसाब से चलेगा, और राइट पे लेकर आएंगे तो ये राइट के हिसाब से चलेगा। अगर ये दोनों डायरेक्शन डिफरेंट रखेंगे तो ये सही ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि डिजिटल इसका सिस्टम इस तरह से है। दूसरी बात इसकी जो ज़रूरी है वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ इशू ये आ रहा होता है कि ये जो हैंडल है इसको जब नीचे करते हैं तो ये नीचे ही रह जाता है, और ये ऊपर करते हैं तो ऊपर रह जाता है, पूरा नहीं आता। तो उसका सोल्यूशन बेसिकली ये है कि जब यहाँ पे बेसिकली जब आप इसको हैंडल को लगा रहे होंगे, इस चीज़ को जब आप निकालेंगे तो एल की साथ दी होती है, एल की से टाइट करना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात कारपेंटर ये करते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। जब इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये नीचे करेंगे तो नीचे ही रह जाएगा। इसको थोड़ा सा एंड में जाके लूज छोड़ना है, फिर ये अपनी पोजीशन पे एज इट इज़। जब आप इसको नीचे करेंगे तो ये वापस इस तरह अपनी पोजीशन पे आ जाएगा इधर पीछे। और अगर आपका लेट से आखिरी बात यह है कि अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है इसकी, तो उसका भी तरीका सिंपल है। ये रॉड निकलेगी, इसके साथ जो है इसकी ये एल की आती है गेरी, वो एल की आप यूज़ करेंगे, इसको लूज करेंगे, इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर इसको एल की से टाइट कर देंगे। अगेन एल की से टाइट करेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, वरना वही वाला इशू आएगा। थैंक यू।